गाइस, बादलों के ऊपर बना बांध स्विट्जरलैंड का यह बांध सामान्य बांध नहीं है, यह एक सोलर डैम है। यह बादलों के ऊपर बना है और उस मौसम में बिजली पैदा करता है जब बाकी जगह मामला ठंडा होता है, यानी सर्दियों में। हाँ गाइस, यह एक स्विट्जरलैंड का सोलर डैम है। यह देश का सबसे लंबा बांध है और हर घंटे 33 लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है। लेक मर्जे डैम समुद्र तल से 7800 फुट की ऊंचाई पर बना है और चारों ओर बर्फीली चोटियों से घिरा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम अल्पाइन सोलर, जिसे एक्सपो कंपनी चला रही है। इस बांध की खास बात यह है कि यह सर्दियों में भी बहुत सारी बिजली पैदा करता है, क्योंकि यह सोलर पैनलों की यह दीवार बादलों के ऊपर है, इसलिए हर वक्त धूप में रहती है। और साथ ही सोलर पैनलों पर बर्फ से परावर्तित होकर भी धूप पड़ती है और असर बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा होती है। और इस बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन 2030 तक यहां कुल 4200 पैनल लगाए जाने का लक्ष्य तय है, यानी हर साल करीब 1.2 गीगावाट और बिजली पैदा होगी। ऊर्जा संकट से जूझ रहे यूरोप के लिए यह बहुत अहम स्रोत हो सकता है, क्योंकि रूस के साथ संबंधों में तनाव के कारण हर देश बिजली की कमी से जूझ रहा है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।